दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको एक वीडियो शूट कर लेना है मोबाइल को ट्राइपॉड पे रख के, और उसके बाद आपको काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मीडिया में चले जाना है और यहाँ से आपको रिकॉर्डेड वीडियो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को सेलेक्ट करना है आपको, आपका वीडियो टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो शूट करते समय इसमें कुछ ना कुछ तो साउंड जरूर आया होगा, तो वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, साउंड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और पूरे वॉल्यूम को जीरो कर दीजिए। फिर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाइए, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, और वीडियो शूट करते समय कुछ ना कुछ तो वेस्टिंग पार्ट आया होगा तो उसे हटाने के लिए पहले देख लीजिए यहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए ट्रैक करके अपनी उंगलियों से वीडियो को, यहाँ तक वेस्टिंग पार्ट है आगे का, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक ले आइए, ठीक है। अब एंडिंग में भी कुछ है या वेस्टिंग पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारा पार्ट है तो इसे भी हम कट कर देंगे यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। अब वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आइए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को एक बार प्ले कर दीजिए। अब इतनी एक्टिंग आपके होने के बाद जब आप दीवार पे मुक्का मारते हो उसी पोजीशन पे आपको पॉज कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए पीछे ले लेता हूँ, उसी पोजीशन पे पॉज कर लेना है। फिर आपको चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद आपको एक वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रीन स्क्रीन में है वह। इसे लेने के बाद आपको थोड़ा वीडियो को ड्रैग कर लेना है ग्रीन स्क्रीन के आधे तक, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्रोमा की में चले जाना है, क्रोमा की एनेबल कर दीजिए और थोड़ा बहुत ग्रीन इसे कर दीजिएगा इस तरह से, इतना ग्रीन रख दीजिएगा कॉर्नर। फिर आपको बैक चले आना है, अभी आपको चले जाना है कलर फिल्टर्स में, यहाँ से आपको ब्लैक एंड व्हाइट चूज करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ग्रीन स्क्रीन के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आइए, जब आप यहाँ पे मुक्का मार लेते हो तो उसी समय इस वीडियो को इस तरह से लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिएगा। ये देखिए हमारा वीडियो रेडी हो गया। अभी आपको क्या करना है, पीछे चले आना है यहाँ तक, अभी आपको ऊपर वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। फिर आपको बैक चले आना है काइनमास्टर के। अभी आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस ऐप को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद लोड इमेज पे क्लिक कर दीजिए और रिसेंटली जो आपने कैप्चर किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिए, फिर से डन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे मैनुअल में यहाँ पे आ जाएगा इरेजर, उसके बाद इसका साइज बड़ा कर लीजिए, ठीक है, और इसे पूरा इरेज कर दीजिएगा। अब दोनों उंगलियों से इसे जूम कर दीजिए, फिर बैक कर दीजिए अगर कुछ गलती हो जाती है तो। और यहाँ पे अगर आपको रिपेयर भी करना है कुछ तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये सिर तो यहाँ तक नहीं आ रहा, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है।
अभी आपको इसे यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है और इसे सेव कर लेना है, चले आना है। उसके बाद आपको फिर से काइन मास्टर ऐप में चले जाना है, आप उसी फोल्डर में चले आओगे। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और फोर्थ नंबर फोल्डर पे इरेजर लिखा आएगा, फिर इसे क्लिक कर दीजिए, इमेज को सेलेक्ट कर दीजिए और आपको स्प्लिट स्क्रीन में चले जाकर इसे फुल स्क्रीन कर देना है, ये देखिए। और ऊपर वाला वीडियो जितने समय तक है उसी समय तक इस लेयर वाले इमेज को रखिए, फिर भी वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, ये देखिए आपका वीडियो रेडी हो गया। अब इस वीडियो में अगर आपको कुछ साउंड इफेक्ट डालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आइए, यहाँ पे ऑडियो में चले जाइए, ऑडियो में उसके बाद फोल्डर में चले जाइए, आपके जो साउंड इफेक्ट डाल देना है उस साउंड इफेक्ट को चूज कर लीजिए और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आखिर में चले आइए, यहाँ पे साउंड को क्लिक कर दीजिए और कटर में चले जाइए इसको और ट्रिम टू राइट अप प्ले हेड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को सेव कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना मत जाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ।